दोस्तों वेलकम बैक। अभी हाल ही में एक वाईफाई डिवाइस लॉन्च हुआ है, सार्बिजन AS342DX, जिसके बारे में बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे हैं कि इसका वाईफाई का नेम और पासवर्ड कैसे चेंज होगा। रियलटेक चिपसेट बेस आइटम होने की वजह से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत अलग है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और जानिए इस टाइप के डिवाइस में आखिर में किस तरह से हम लॉगिन होंगे और आखिर किस तरह से इस टाइप के वाईफाई डिवाइस का वाईफाई नेम और पासवर्ड चेंज होगा। हमारे और भी बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, अभी हाल ही में मैंने लॉन्च किया है कि इस टाइप के डिवाइस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कॉन्फ़िगर तक तो लगभग सब लोग समझ चुके हैं, अब हम ये समझेंगे कि इस टाइप के डिवाइस में कैसे लॉगिन करेंगे और कैसे वाईफाई का नेम और पासवर्ड चेंज करेंगे। ये हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। सबसे पहले तो हम ये सुनिश्चित कर लें कि हमारा कंप्यूटर वाईफाई से कनेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ हम देख लेते हैं, तो हमारा वाईफाई से डिवाइस कनेक्ट है। तो सबसे पहले अब ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र में आईपी एड्रेस डालते ही लॉगिन पेज आ जाएगा और यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के देन उसके बाद वेरीफिकेशन कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे जो यूज़र नेम और पासवर्ड डाला जा रहा है ये मॉडिफाई हो चुका है, तो जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे एक बार बात कर लें ताकि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिल जाए। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन कोड भी डाल दिया है, अब हम देखते हैं, लॉगिन प्रेस करते हैं। ओके, नाउ हम वाईफाई डिवाइस में लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पे रियल टेक चिपसेट बेस ये डिवाइस है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस का स्टेटस हाईलाइट हो रहा है। तो हमको अब WLAN पे क्लिक करना है, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ आप देख सकते हैं WLAN बेसिक सेटिंग्स ओपन हो चुका है और जो मैंने अभी हाईलाइट किया है वो वाईफाई का नेम है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं XYZ, फिलहाल मैं एक एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ, बट आप कुछ भी रख सकते हैं। और नीचे आप देख रहे हैं अप्लाई चेंज का ऑप्शन है, तो यहाँ पे अप्लाई चेंज जैसे क्लिक करेंगे तो वाईफाई का नेम। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारा वीडियो देख लेंगे पर लाइक नहीं करेंगे और ना ही सब्सक्राइब करेंगे, तो ये गलत बात है। हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री सेट की जो है वहाँ पे आप 8 अंकों का पासवर्ड डाल के जैसे ही अप्लाई चेंज करेंगे तो वाईफाई का पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम फिलहाल ABCD और कुछ नंबर्स वगैरह डाल के यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर दिखा रहे हैं, बट फाइनली अब जब आप कुछ डालेंगे तो इसमें मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर जो अल्फ़ाबेट के साथ कुछ नंबर और कैरेक्टर भी यूज़ करें तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं जिसको क्रैक करना थोड़ा टफ होता है। तो इस तरह से आप अपने वाईफाई डिवाइस का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जब इस प्रकार से आप वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर देते हैं तो जितने भी डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट रहेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू वो सारे डिवाइस डिसकनेक्ट हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि जैसे ही आप इस काम को कर रहे हैं तो आपका जो कंप्यूटर है वो लैन केबल के थ्रू कनेक्ट हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के वाईफाई का नेम और पासवर्ड चेंज कर पाए। तो देखा आपने कितना ईजी था, हमने बहुत ही इजी मेथड से आपको बताया है, बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि किस तरह से लॉगिन करना है और कैसे वाईफाई का नेम और पासवर्ड चेंज करना है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे
YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको अगला वीडियो अब किस टॉपिक पे चाहिए, और साथ ही शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा अपने मित्रों में लिंक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हम इंडिया में टेक्नोलॉजी का विकास कर सकें।